नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल। यूं तो हर लड़की जो होती है वो अपने पति के लिए शुभ ही होती है, क्योंकि जो शास्त्र है वो भी कहते हैं एक मनुष्य की प्रगति में, एक आदमी की प्रगति में एक स्त्री का हाथ होता है। हर व्यक्ति के विकास में एक स्त्री का पीछे हाथ होता है। यूं तो हर स्त्री, हर कन्या अपने पति के लिए सौभाग्यदायी नहीं होती, लेकिन आज मैं तीन ऐसी कन्याओं के बारे में बताऊंगा जो विशेष राशियों में उत्पन्न होती है और उनमें कुछ खास क्षमताएं होती है, इसलिए वो अपने पति के लिए सबसे बढ़िया होती है और फुल प्रोग्रेसिव होती है। ऐसी कन्या यदि जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, उस व्यक्ति का जीवन अच्छा, सुप्रोग्रेसिव, बढ़िया होता है, गजब होता है। क्या है, ज्योतिष ऐसा मानता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही हो और ऐसी ही जो मैं बताऊं वैसी ही लड़कियां, वैसी ही राशियों की लड़कियां ही ऐसा काम कर सकती है, और भी अन्य राशियों की लड़कियां भी कर सकती है, लेकिन ज्योतिष की जो मान्यता है उस पर मैं बता रहा हूं कि ज्योतिष इस तरह से मानता है कि जो इन राशियों में उत्पन्न हुई लड़कियाँ हैं, कन्याएँ हैं, वो अपने पति के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है और जीवन के नए मार्ग, नए आयाम वो लड़कियाँ बनाती हैं। उस श्रृंखला में आज हम बात करते हैं तो भचक्कर की पहली जो राशि होती है उस राशि का नाम है मेष राशि। ज्योतिष ऐसा मानता है कि मेष राशि की जो लड़की होती है, मेष राशि मंगल प्रधान राशि होती है और मंगल दबंगाई का प्रतीक है, मंगल हिम्मत का, साहस का प्रतीक है। तो जो लड़की मेष राशि की होगी उसमें हिम्मत रहेगी, साहस रहेगा, दबंगताई रहेगी और नया काम करने की ऊर्जा रहेगी। ऐसी पत्नी स्वाभाविक तौर पर ईमानदार भी होती है और अपने पति के लिए वो पग पग पर सहायता करने वाली होती है। ऐसी लड़की यदि किसी के जीवन में आए तो बहुत प्रोग्रेसिव होती है। दूसरी, ज्योतिष ऐसा मानता है कि द्वितीय नंबर पर जो राशि आती है उस राशि का स्वामी बनता है सूर्य, क्योंकि राशि बनती है सिंह। सिंह राशि की जो लड़कियाँ होती है वो बड़ी गर्म दिमाग की होती है, लेकिन ये तो एक बात है, गर्म दिमाग की होने के साथ साथ सिंह राशि की जो लड़कियां होती है उनमें उत्तेजना और कार्य क्षमता अद्भुत होती है। इतनी अद्भुत कार्य क्षमता सिंह राशि की लड़कियों में होती है कि नया मार्ग जीवन में बनाना हो तो उनसे पूछो, वो हमेशा नित नया कुछ करने की फिराक में रहती है, नित नया अवसर ढूंढती रहती है और उनमें एक विशिष्ट एनर्जी होती है जो पति के लिए बहुत ही शुभ होती है। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती है उस घर का नक्शा बदल देती है, उस घर को स्वर्ग जैसा सुंदर कर देती है, क्योंकि इनमें ऊर्जा होती है और सबके लिए मान सम्मान अनुशासन इनमें बहुत होता है। तो जो सिंह राशि की लड़कियां होती है वो पति के लिए भी बहुत प्रोग्रेसिव होती है और खुद के लिए भी प्रोग्रेसिव होती है। तीसरी राशि ज्योतिष ये बताता है कि जो कर्क राशि की लड़कियां होती है, कर्क राशि की जो लड़कियां होती है कैंसर, वो लड़कियां अपने जीवन में पति के लिए बड़ी ही शुभ होती है। कर्क राशि की जो लड़कियां होती है वो खुद के लिए मतलब इतनी शुभ नहीं होती होगी, खुद के लिए उनमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। कर्क लग्न की जो होती है उनमें भी प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा, जो कर्क लग्न की लड़कियां हैं या कर्क राशि की लड़कियां उनके खुद के जीवन में थोड़ा संघर्ष रहता है, लेकिन पति के लिए तो वो रामबाण है। कर्क राशि की लड़कियां बड़ी भावुक होती है, इमोशनल होती है, इसलिए उनके जीवन में थोड़े कष्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेती है और दिल से लगा लेने के कारण उनके जीवन में थोड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। लेकिन इतना होने पर भी जो कर्क राशि की लड़कियां होती है वो अपने भावुक स्वभाव के कारण पति के लिए पूर्णतया समर्पित होती है। यदि पति से वो प्रेम कर ले किसी शर्त पर, यदि पति से वो प्रेम कर ले, यदि कर्क राशि की लड़की को अपने पति से अनन्य प्रेम हो गया तो फिर ब्रह्मा जी भी उस प्रेम को मिटा नहीं सकता। इतना प्रेम वो पति से करती है कि पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए बड़ी सौभाग्यदायी होती हैं। तो ये तीन राशि की लड़कियां ज्योतिष ने बताई है। आगे और वीडियो बनाएंगे और किसी वीडियो में मिलेंगे तो अन्य राशियों के बारे में और बहुत सारी बातें होंगी जो हम बताएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और इसका आपको लाभ मिल सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।